युवाओं को रोजगार मिल रहा है? किसानों को सही दाम मिल रहा है? कर्जा माफ हुआ? अच्छे दिन आ गए? अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान में आप किसी से भी पूछो, जनता की समस्या क्या है, एक सेकंड में जवाब मिलता है, किसानों की हालत, बेरोजगारी, यही जवाब मिलता है ना, है ना? किसी भी युवा से पूछ लो, भैया क्या हो रहा है, क्या करते हो? कुछ नहीं। किसान से पूछो क्या हालत है, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। मगर मीडिया में ना आपको बेरोजगारी की बात सुनाई देगी। कभी सुना आपने मीडिया में कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी सुना है ना? मीडिया में आपने कभी सुना है कि महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? ना? सूखा पड़ा है, किसान दबा हुआ है, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं सुनाई देगा? मीडिया में आपको कभी मोदी जी कॉर्बेट पार्क में दिखाई देंगे, कभी फिर चांद की बात होगी। मगर जो जनता के मुद्दे हैं उनके बारे में आपको मीडिया में नहीं सुनाई दिया जाएगा। इसका कारण है, मीडिया का काम, मोदी जी का काम, अमित शाह जी का काम, आपके ध्यान को सच्चे मुद्दों से हटाकर कॉर्बेट पार्क, चांद, चाइना, पाकिस्तान, जापान, कोरिया में ले जाने का है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, 2000 कारखाने यहां बंद हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की धज्जियां उड़ गई। मैं कुछ दिन पहले गुजरात में था, कपड़े की इंडस्ट्री, डायमंड की इंडस्ट्री खत्म, मीडिया में एक शब्द नहीं। नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में नहीं बोलेंगे, हो क्या रहा है आप समझिए। महाराष्ट्र में किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है? नहीं हुआ ना? आप शांत हैं, चुप हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग जो मीडिया के मालिक हैं, नाम जानते हो, अंबानी, अदानी, ये 15-20 लोग हैं, इनका कितना कर्जा माफ हुआ है आप मुझे बताओ। कोई जानता है यहां पे? साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए इनका कर्जा माफ करके इनको दिया गया है। मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं, 15 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 5 लाख
50,000 करोड़ रुपए पिछले सालों में दिए हैं। किसान अपना कर्जा वापस नहीं देता, उसको जेल में डाल देते हैं, मगर हिंदुस्तान के अमीर से अमीर लोग अपना कर्जा वापस नहीं देते, उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और बैंक के दरवाजे एक बार फिर उसके लिए खोल देते हैं। नोटबंदी की इसका लक्ष्य क्या था? गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लागू किया, इसका लक्ष्य क्या था? हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में डालने का लक्ष्य था। आपको कहा, याद रखिए, आप याद रखिए तरीका इनका। मोदी जी आएंगे कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है। नोटबंदी की, भाइयों और बहनों, क्या काला धन कम हुआ? लाइन में आपने भ्रष्ट लोग देखे थे क्या? नोटबंदी की लाइन में एक नहीं खड़ा था। महाराष्ट्र के किसान खड़े थे, मजदूर खड़े थे, कमजोर लोग खड़े थे, उनके जेब में से पैसा निकाला। और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों का कर्जा माफ किया। फिर मोदी जी कहते हैं मुझे फांसी से लटका देना, फांसी से लटका देना। उसके बाद नोटबंदी की बात नहीं होगी, फिर गब्बर सिंह टैक्स की बात होगी कि यहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतने जा रही है। कुछ साल पहले मैं यहां आया था, उस समय आपके कैंडिडेट ने कहा था कि यहां जो शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है उसको मैं खोल के दिखाऊंगा।